जनपद मेरठ की नगर पंचायत केठोर में पूर्व राज्यसभा सांसद और बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुनकाद अली के परिवार ने परचम लहरा दिया है और बसपा का झंडा बुलंद कर दिया है। वहीं आज तमाम जगह पर नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर निगम अध्यक्षों की शपथ समारोह था। वहीं उनके साथ तमाम पार्षदों और सभासदगणों ने भी शपथ ग्रहण की है। वहीं केठोर में मुनकाद अली के पुत्र व धू नाविद चौहान ने शपथ ली है। उनके साथ साथ तमाम सभासदगणों ने भी शपथ ली है। इस दौरान उन्होंने आगे भी विकास करने का वादा किया है। आपको बता दें कि ये नाविद चौहान 2.0 कार्यकाल शुरू हो चुका है, जिसमें वादा किया गया है कि इस बार केठोर में चहुमुखी विकास किया जाएगा। इसको लेकर के मुनकाद अली के पुत्र नाविद चौहान के पति सलमान मुनकाद ने जनता का धन्यवाद किया। वहीं उन्होंने हमारे संवाददाता जाहिद अली से भी बातचीत की, क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। सब लोगों से अपील करता हूँ कि जिस तरह आपने हमारा चुनाव में साथ दिया, हमेशा हमारा ऐसे गंदे से कंधा मिलाकर साथ देते रहिए। हम लोग आपके साथ बने, आपके एहसान बने और आपके हमेशा आभारी रहे। आप हमारे हर प्रोग्राम में हर तरह हमारा साथ देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आज शपथ ग्रहण हुआ है आपका, तो आगे आने वाले 5 सालों में क्या आप अपने कह रहे हैं? हमने जिस तरह से पिछले 5 सालों में विकास किया है वो सब जनता के सामने है और आने वाले 5 सालों में उससे अच्छा विकास करके दिखाएंगे। और जो लोगों ने अपेक्षाएं हमसे की है, जिस उम्मीद के साथ हमें वोट दिया, उन पर खरा उतरेंगे। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी, किन मुद्दों को लेकर आप ये सोचते हैं कि इनसे सबसे पहले काम करना है? नहीं, यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर काम किया जा सकता है और जो मुद्दे नहीं भी सामना है उन पर भी काम करें।